हेलो एवरीवन, आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी और परेशान भी हो गए होंगे कि इस तरह से क्यों सब कुछ बिखरा पड़ा है। मुझे बताइए, ये सारी चीजें क्या हम एक साथ कहीं पर रख देते हैं? नहीं ना, हम ये खाने पीने की चीजों को एक जगह रखेंगे, ये जो दवाइयां हैं उनको हम एक जगह पर रखेंगे, ये जो साजो श्रृंगार का सामान है उसको हम एक जगह पर रखेंगे, उसी तरह से ये जो खेलने की चीजें हैं उनको हम सबको एक तरफ कर देंगे। चलो यहाँ पर कर देते हैं, है ना। ये भी खेलने की चीजें हैं, ये भी खेलने की चीजें हैं, उनको एक तरफ कर देते हैं। ये जो हमारा पढ़ने लिखने का सामान है वो भी हम एक तरफ कर देंगे, और ये जो हमारा साजो श्रृंगार का सामान था इसको भी एक तरफ कर देंगे। तो अब देखिए, देखने में चीजें अब काफी अच्छी लग रही है। जिस तरह से वो बेतरतीब थी अब नहीं है, ये तो आप जानते होंगे, है ना। इसमें भी क्या है, अलग अलग यहाँ पर खाने बने हुए हैं ताकि जो चीज डाली जाए वो मिक्स ना हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है, हम सारी चीजों को उनकी मखसूस जगह पर ही क्यों रखते हैं, सबको एक साथ क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो दिखाई देने में अच्छी नहीं दिखती हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा, हम चीजों को एक साथ मिक्स कर नहीं रखते, हम उनको अलग 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 तरीके से एक जगह रखते हैं, उनकी कुछ खसूसियात की बिना पर या फिर उनकी कुछ ऐसे मखसूस चीजों की बिना पर हम उन्हें अलग अलग जगह पर रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो क्लास 4 का लेसन है कैटेगरीज, यहाँ पर भी हमें बच्चों को अलग अलग कैटेगरी के बारे में बताना है। जैसे कि उनके अतराफ कई तरह की चीजें होते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं, कुछ इस्तेमाल करने की चीजें होती हैं, कुछ हमारे एक्शंस होते हैं और कुछ हमारे अतराफ पाए जाने वाले जानवर चरित परिंद होते हैं। तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, हमें बच्चों को यहाँ पर उनको समझाना है कि कोई भी जो हम मजमुआ देखते हैं चीजों का, एक ग्रुप के अंदर नहीं आता है, अलग 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 ग्रुप में आते हैं। जिस तरह इंसानों में, जैसे कि बच्चे खुद, कि अब जमात चहरुम का एक अलग ग्रुप है, जमात तीसरी का एक अलग ग्रुप है, जमात दूसरी का एक अलग ग्रुप है, उसी तरह चीजों के भी ग्रुप होते हैं जिन्हें कैटेगरीज कहते हैं। तो इस सबक में, इस लेसन में हमें बच्चों को कैटेगरीज अच्छे से समझानी है, उन्हें पढ़ानी है, और जो चीजें उनके सामने आएंगी वो बच्चे खुद यहाँ पर उसको कैटेगरीज करवाएं, इस बात का हम यहाँ पर ख्याल रखेंगे, ताकि बच्चे समाज में मौजूद जो चीजें हैं उनको समझ पाए, उनके अंदर जो कैटेगरीज हैं उनको भी वो जान पाए और इस्तेमाल कर पाए, ताकि बच्चों की ना सिर्फ इल्मी या ज़हनी तरक्की हो बल्कि उनकी समाजी तरक्की हो, उनकी जज्बाती तरक्की हो, उनकी बहरहाल पूरी तरह से नशोनुमा हो। हम यहाँ पर बच्चों को सबक में आने वाले नए अल्फाज माने भी सिखाएंगे जिसका वो इस्तेमाल अपनी जिंदगी में भी कर पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जमात क्लास 4 का ये लेसन कैटेगरीज। शुक्रिया।